चांद पर इतिहास रचते ही अब समंदर में भी इतिहास रचने की तैयारी। मोदी ने साउथ अफ्रीका से ही दे दिया ग्रीन सिग्नल। रातों रात मिशन पाताल लोक शुरू। इंसान पाताल की गहराइयों से ढूंढेगा अद्भुत अकल्पनीय रहस्य। दुनिया बजाएगी ताली। समुद्र की गहराइयों में मोदी उतारेंगे ऐसा अद्भुत यान जो दुनिया को कर देगा हैरान। 6000 मीटर की गहराई समुद्र यान मिशन लगाएगा गोता। चंद्रयान मिशन के बाद अब इंडिया समुद्र यान मिशन से दुनिया को हिलाने के लिए तैयार है। आसमान में इतिहास रचने के बाद अब भारत पाताल के रहस्य को भी भेदने की तैयारी में है। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर के लैंड करते ही ऐसा अद्भुत इतिहास बनाया हिंदुस्तान ने कि दुनिया के बड़े बड़े देश दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। चांद पर झंडा होना और झंडे में चांद होना, दुनिया के कई देशों को इसका फर्क समझ में आ गया। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच चांद पर भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। दुनिया में सबसे पहले चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। लेकिन भारत के वैज्ञानिक सिर्फ चांद तक ही नहीं रुकने वाले। उन्होंने अब ऐसे मिशन पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े और हर चीज में अव्वल रहने वाले देश भी अभी तक उससे पार नहीं हो पाए। ये मिशन वैज्ञानिकों के लिए मौत के मुंह में जाकर पूरा करने जैसा है। ये मिशन अभी तक सीक्रेटली पूरा किया जा रहा था, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब इसे दुनिया के सामने पूरा किया जाएगा और एक बार फिर दुनिया को ये दिखाया जाएगा ये आज के जमाने का इंडिया है, बाप के जमाने का नहीं। अब अपना इंडिया समुद्र की गहराइयों में गोते लगाने की प्लानिंग कर रहा है। हम बात कर रहे हैं समुद्र यान मिशन की। इसके लिए भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने 3 अगस्त को राज्यसभा में बताया था कि समुद्र यान प्रोजेक्ट के अंतर्गत पनडुब्बी एक सबमर्सिबल वाहन में 3 इंसानों को समुद्र की 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी। आपको बता दें, समुद्र यान मिशन इंडिया का पहला मानव युक्त मिशन है, यानी इस मिशन में 3 इंसानों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराइयों में भेजा जाएगा। इसकी खास बात यह है कि भारत के समुद्र यान मिशन में जिस सबमर्सिबल व्हीकल को समुद्र की गहराइयों में उतारा जाएगा उसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। इसका टेस्ट अगले साल 2024 में किया जाएगा और इसके बाद 2026 में इसे समुद्र की गहराइयों में भेजा जाएगा। भारत अपने इस मिशन के जरिए समुद्र की सतहों की जानकारी को इकट्ठा करेगा, साथ ही साथ ये भी पता लगाएगा कि समुद्र के अंदर कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं। आपको बता दें, भारत 7000 मीटर की गहराई में मानव रहित मिशन को पहले ही फतह कर चुका है, लेकिन ये पहली बार होगा जब समुद्रयान मिशन में 3 इंसानों को 6000 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा। खबर तो ये भी है कि इस मिशन से केंद्र की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को सपोर्ट मिलेगा। किरण रिजिजू ने बीते 4 अगस्त को ट्वीट पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा था कि यह चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान में निर्माणाधीन मत्स्य 6000 सबमर्सिबल है। भारत के इस मिशन का मेन मोटिव गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिज संसाधनों की खोज करना है। मत्स्य 6000 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसमें इंसानों की सुरक्षा के लिए इसकी क्षमता सामान्य स्थितियों में 12 घंटे तक और आपात स्थिति में 96 घंटे तक सुरक्षा करती रहेगी। ये भारत का पहला और सबसे अनोखा मानव युक्त समुद्रीय मिशन है जो कि 6000 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। ये सबमर्सिबल वैज्ञानिकों को असली टेस्ट की मदद से गहरे समुद्र के उन हिस्सों को देखने, खोजने और समझने में मदद करेगा जो आज तक दुनिया से छिपे हुए हैं। ये मिशन केंद्र सरकार के न्यू इंडिया कार्यक्रम को भी मजबूती देगा जो विकास के 10 प्रमुख पॉइंटों में से एक के रूप में नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को उजागर करता है। हैरान कर देने वाली जानकारी यह है कि भारत के पास 7517 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है जो कि समुद्र को छूती है। इसमें 9 तटीय राज्य और 1382 द्वीप शामिल है। भारत एक ऐसा देश है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। खास बात यह है कि ये मत्स्य पालन और जलीय कृषि के साथ साथ पर्यटन, आजीविका और ब्लू ट्रेड को सपोर्ट करता है। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि इसे लगभग 2 साल पहले जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा परमिशन दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र के अंदर मौजूद संसाधनों को खोजना, महासागरीय संसाधनों को सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों का विकास करने के साथ साथ भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था संबंधी पहलों का राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। 5 साल की अवधि वाले इस मिशन को पूरा करने में लगभग 4077 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के क्लब में एंट्री कर ली। भारत से पहले इन सभी देशों के पास समुद्र के अंदर गतिविधियों को पूरा करने और उन्हें अंजाम देने की बेहतरीन तकनीक और वाहन है, लेकिन अब बहुत जल्द इंडिया भी ऐसा करने वाला देश बन जाएगा। इस पर आपका क्या क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताएं।